बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ का मॉडल पेपर है भाई। ये सॉल्व मॉडल पेपर है। ये मतलब अभी मैं आपको पहले समझा दूं कि ये भी 40% एमसीक्यूज़ हैं। 75 मार्क्स का है तो 40% 30 मार्क्स बने एमसीक्यूज़ के। इसी तरह 30 मार्क्स आपके सेक्शन बी के भी 40% के बने, और सेक्शन सी जो लॉन्ग में है उसके 15 मार्क्स बने हैं 20% के। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ तो ज़ाहिर नहीं दिए हुए। अब उसके बाद जो है सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चन करने हैं। 10 गिवन है आपको, 6 इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, और सबके मार्क्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी एक के 5 मार्क्स हैं। 6 × 5 = 30, तो आपके एक क्वेश्चन के जो हैं 5 मार्क्स बनेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, पहला क्वेश्चन जो है वो कंजुगेट वाला है। आपकी एक्सरसाइज थी 1 पॉइंट कुछ समथिंग थी, उसमें से है। सेकंड है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम, तो आपका ये 2.6 की एक्सरसाइज है। और इसी तरह क्वेश्चन 4 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसी तरह क्वेश्चन 5 है, फाइंड द फैक्टर्स बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x - 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x4 प्लस 12x³ प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरोग्राम आर कॉन्ग्रेट प्रूव इट, इसके और में भी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर सेक्शन जो है वो हमारा सी है। तो जो है क्वेश्चन जो है आपने अगर समझना है जैसे, तो पहला कंजुगेट का है, आपको मालूम है इसको सिर्फ प्रूफ करना है। देखिए, Z1 प्लस Z2 पे एक ही बार है कंजुगेट की, और दूसरे पे अलग अलग बार है। जिस पे एक बार होती है यानी कंजुगेट की बार, वो आप समझ लें कि पहले आपने उसको सिंपल सॉल्व करना है, आखिर में उसको कंजुगेट करना है। और जिस पे अलग अलग कंजुगेट की बार होती है उसको पहले ही कंजुगेट कर देना है, और उसका जो आंसर आएगा वो कंजुगेट के साथ आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने आपके सामने देखें कर दी है। पहले सिंगल चल रहा था Z1 Z2, लेफ़्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, लास्ट में कंजुगेट हुआ, जबकि राइट हैंड साइड शुरू से ही कंजुगेट है। ठीक है, बस इसमें यह देखना है। फिर है लॉगरिथम, लॉगरिथम का भी आपका इसी तरह है, आपको मालूम है आपको पहले नीचे वाले को ऊपर लेकर आना है, तो वो माइनस हो जाएगा लॉग। फिर इन दोनों का आपने लॉग मालूम करना है। अब देखें, इसका जो लॉग मालूम किया हमने वो आ रहा है -1, यानी करेक्टर -1 में था उसका, तो 0.0726 ये प्लस में हो गया। तो आपने क्या करना है कि उस -1 में से ये प्लस वाली रकम को आप माइनस करेंगे, तो माइनस में ही आपका जो आंसर है रिमेनिंग आएगा 0.2724। अब बाहर भी माइनस है तो अंदर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया हमने तो 1.6832 आया। अब इसका मेंटी लॉग निकालेंगे तो 48.216 इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 का। अब बस आपको इसमें जो है क्यूब का फार्मूला ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। दोनों फार्मूले देखें वहाँ मैंने लगा दिए ऊपर, तो आपने फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपके बिल्कुल सामने जो है बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये आपकी बुक में से ही लिया गया है। ठीक है, और एग्जांपल में से x³ - 6x² + 11x - 6, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, उस बुक की ही मैंने पिक लगा दी है। या मतलब ये ज़ाहिर सॉल्यूशन आप पहले भी ये कर चुके हैं, कोई इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। आपको फैक्टर मालूम करना है और फिर 1 से स्टार्ट करना है, जो जिस तरह से आपको मालूम है, तो ये आपके सामने इसका आंसर सॉल्व हुआ हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x4 प्लस 12x³ प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25 आपने परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो ये भी जो है आपके सामने देखे, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, बच्चे ने सॉल्व किया है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको, ये पहले भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताया था कि आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो है क्या आंसर लाना है। 9x4 लाना है, तो इधर 3 3 = 9 और x²
4। बस ये सेटिंग आपने करनी है तो आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिवाइड की पोजीशन में 4 है वो उस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1 = 4। फिर उसके बाद जो -8 है उस तरफ जाके +8 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लेना है इज इक्वल टू के बाद जो 12 है। तो एक बार हमने प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया, तो एक साइड पे 15 आ गया, दूसरी साइड पे -9 आ गया। तो 15 5 से डिवाइड हो गया तो 3 आया, दूसरी तरफ डिवाइड नहीं हो सकता, तो 9/-9/5 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x² - 5x - 3। तो ये आपकी बुक की जो जहाँ ये एक्सरसाइज है वहाँ पर ये एग्जांपल में ही सॉल्व हुआ हुआ है। मैंने इसकी ये देखें पिक लगा दी, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद करना है, बकाया जो है वो बहुत आसान है, आप इसको यहाँ से देख कर नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन है और में एक है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट प्रूव इट। ये चैप्टर नंबर 10 में जो है आपको एक ही जगह तीन चीज़ें दी हुई हैं, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल और डायगोनल बाइसेक्ट। तो आपने सिर्फ जो है ऑपोजिट साइड्स को देखना है। तो मैंने ऑपोजिट साइड्स जो है यहाँ पर उसकी पिक लगा दी है और बाद में जो इसको प्रूफ भी कर दिया है वो भी आप इसको देख लें, ये चैप्टर नंबर 10 में ये मौजूद है। उसके बाद जो और के बाद है कंस्ट्रक्ट, आपने ट्राइंगल करना है ए बी सी, एंगल ए 65 का होगा, बी 40 का होगा और बी सी 5.8 सेंटीमीटर, तो वो लाइन होगी। तो ज़ाहिर है ये भी आपके देखें एग्जांपल में दिया हुआ है, मैंने इसकी पिक लगा दी है, सेम यही क्वेश्चन गिवन है, इसलिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इस पेज पे इसको देख सकते हैं आसानी से, ये आंसर इसमें यहाँ पर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स प्रूव इट। तो ये आपका जो है थ्योरम है और ये देखें ये भी आपका गिवन है बुक में, मैंने उसकी जो है आपके सामने स्टेटमेंट और रीजंस और सब जो है उसका एंगल के साथ यहाँ लगा दी है पेज। आप चाहें तो बुक से देख लें, चाहे तो यहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड प्रूव इट। तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी है भाई, इसमें आपने दो क्वेश्चन करने हैं और दोनों क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं। पहला 12 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 3, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 करने हैं आपने इसमें से, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया, क्वेश्चन 1 है 4x² + 625। उसके बाद सेकंड है 2x + z² और 2x - z², बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है y² + 7y - 98, मिड टर्म ब्रेक है, ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² - y² - 2y - 1। तो आपने 4x² को सिर्फ अलग कर देना है, बकाया पे फार्मूला लगाएंगे आप और फिर दोबारा दोनों को मिलाकर फार्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब का फार्मूला है 1/27 + 1/3y² + y^4 + y^6, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने क्यूब का फार्मूला बंद करना है, तो ये आपके फैक्टराइज हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इक्वेशन है 3x - 11 = y और x - 3y = 9। आपको ये ग्राफिकली जो है पहले तो सॉल्व करना है और फिर इनका जो है आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ चूंकि मेरे पास था नहीं, अगर कहेंगे तो कॉपी पर बना दूंगा, लेकिन मैंने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी है। हमें कोशिश ये करनी है, पहले भी मैंने ये करवाई थी तो मैंने बताया था कि आंसर में हमें कम से कम जो है वो इनका आंसर लाना है ताकि ग्राफ आसानी से बन सके, ठीक है। तो इसमें देखें एक जगह मैंने 1 सपोज किया, 2 1 2 इस तरह करके, सिर्फ इसमें एक जगह जो है 12 आ गया है, वो भी अगर हम चाहें तो कम हो सकता था लेकिन मैंने बस जल्दी में कर दिया। तो आप कोशिश करें कि इसको 12 से भी कम लाएं, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं जो सॉल्यूशन सेट आया है वो आपका इसमें नज़र आ रहा है, 3 - 2, दोनों में सेम है 3 - 2, ठीक है। तो ये आप ग्राफ बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में भी दो क्वेश्चन है, पहला इन एन क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ वन साइड एट एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट प्रूव इट। ये भी आपका थ्योरम है, गिवन है ये 9 चैप्टर में आपके, मैंने इसकी पिक्स लगा दी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ही में है, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू शो द पॉइंट्स, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन है और ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो है ये तीनों जो हैं हमने मालूम करने थे, जिसमें पहले LM है, फिर MN है और जो थर्ड वन है वो NL है। तो तीनों में जो आंसर है वो 2 2 आ रहा है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया
कि 2 2 जो है ये तीनों का सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का जो है सॉल्व पेपर था। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ जो भी आपको सही ना लग रहा हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसका जो डिस्क्रिप्शन जो PDF है वो इंशाल्लाह आज रात में बना के मैं लेट नाइट इसमें अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।